आज सुबह सुबह आंख खुली तो यह स्तब्धकारी दुखद समाचार मिला। समाचार यह है कि नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली, और वह भी अपने एनडी स्टूडियो में। एनडी स्टूडियो जो उनके सपने का एक बड़ा संसार रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। नितिन देसाई को मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि हम दोनों ने मुंबई में लगभग एक साथ कैरियर आरंभ किया था। जी हाँ, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के विवादास्पद और लोकप्रिय धारावाहिक चाणक्य से हम लोगों की शुरुआत हुई थी। नितिन चंद्रकांत देसाई उस धारावाहिक के कला निर्देशक थे, मैं मीडिया संयोजक था, और आज के लोकप्रिय अभिनेता विकी कौशल के पिता श्याम कौशल उस धारावाहिक का स्टंट देख रहे थे। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में आया यह धारावाहिक कई माइलस्टोन स्थापित कर चुका है और आज भी यह पसंद किया जाता है। मैं यहाँ नितिन चंद्रकांत देसाई की बात करूंगा। शुरू में वे नीतीश राय के सहायक रहे। नीतीश राय जिन्होंने श्याम बेनेगल के साथ कई सारे फिल्में की और धारावाहिक किए। भारत एक खोज जैसे लंबे और ऐतिहासिक धारावाहिक में भी कला निर्देशन उन्हीं का था। नीतीश राय के निर्देशन और देखरेख में नितिन देसाई का विकास हुआ, और निश्चित रूप से डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के शोध ऐतिहासिक पुरातात्विक इमारतों, निर्माण वास्तु आदि के शोध ने नितिन देसाई के विजन को खोला और उस इतिहास से परिचित कराया जो भारत का अतीत रहा है। बाद में हम देखते हैं कि नितिन देसाई ने उसका भरपूर उपयोग किया और उन्होंने कई उल्लेखनीय फिल्में की और लगभग हर बड़ी फिल्म के कला निर्देशक भी रहे। हमारे सुख और सपने जो चाणक्य के समय थे हम लोगों ने शेयर किए। उनका तभी से सपना था कि निर्देशन, कला निर्देशन के क्षेत्र में कुछ विशेष करना है, और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और अपना इंडी स्टूडियो खड़ा किया करजत में, मुंबई से कुछ घंटे की दूरी पर। मुझे याद है चाणक्य करने के तुरंत बाद उन्हें भूकंप फिल्म मिली थी कला निर्देशन के लिए, और चाणक्य के काम को देखते हुए ही उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी मिली। और यहाँ के बाद नितिन चंद्रकांत देसाई लगातार आगे ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए। उनकी योजनाएं बड़ी और विस्तृत होती गईं, गहरी भी होती गईं। कला निर्देशन में वे लोकप्रिय नाम बन गए और समाज, सरकार और फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा स्वीकृत हुए। उनका काम बढ़ता गया और इसी के हिसाब से उनकी प्राथमिकताएं भी बदलती गईं। बाकी के साथ उनके जो भी संबंध रहे हों, मैंने देखा कि परस्पर सम्मान और हमारा संबंध लगातार बना रहा। मैंने जब भी उनको फ़ोन किया, जब भी उनसे बात की, उन्होंने मेरी हर संभव मदद की, सलाह दी और वक्त ज़रूरत पर खड़े मिले। मुझे याद है मैं उनके स्टूडियो भी गया, एक से अधिक बार गया, कई बार शूटिंग के सिलसिले में, फिल्मों की शूटिंग, धारावाहिक की शूटिंग के सिलसिले में गया, उनकी अनुपस्थिति में गया। लेकिन मुझे याद है कि जब इंडी स्टूडियो का उद्घाटन हुआ था तब भी उन्होंने बुलाया था और मैं वहाँ गया था। मैं उनके घर भी जा चुका हूँ एक बार, मुझे याद है अच्छी तरीके से। नितिन चंद्रकांत देसाई अत्यंत महत्वाकांक्षी कलाकार रहे, आर्टिस्ट रहे, और उन्होंने अपनी सारी आकांक्षाएँ पूरी की। उन्होंने एनडी स्टूडियो के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन और उपयोगी स्टूडियो
फिल्म इंडस्ट्री को दिया। उनके मौत के बाद जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि उन पर कर्ज कुछ ज़्यादा था और उसकी वजह से वे परेशान थे। वजह जो भी रही हो आत्महत्या की, लेकिन एक जिंदगी समाप्त हो गई, एक क्रिएटिव ऊर्जा समाप्त हो गई। मेरी इच्छा थी, लेकिन अपनी व्यस्तता और उनकी व्यस्तता की वजह से मैं उनका कभी लंबा इंटरव्यू नहीं कर पाया। मैं चाहता रहा हूँ कि कला निर्देशन पर एक अच्छी किताब हिंदी में आए। अब मैं देखता हूँ कि मेरी किससे बात हो सकती है, लेकिन मैं यह काम अब जल्दी ही करूँगा, क्योंकि कई सारी योजनाएं यह सोचकर रुकी रहती हैं कि आखिर हम हैं अभी कर लेंगे, लेकिन अचानक ऐसी कोई घटना घटती है और फिर अफसोस होता है कि समय पर हमने वह कार्य क्यों नहीं पूरा कर लिया। आज इतना ही। मैं नितिन चंद्रकांत देसाई को याद कर रहा हूँ, आप भी याद करें।